तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी एक्सल 6 और आज मैं आपके लिए इसका ब्लैक एडिशन लेके आया हूँ। बिल्कुल नई गाड़ी जो अपने सेगमेंट में आई हुई है। अर्टिगा आपने देखी इससे पहले, यहाँ पर है एक्सल 6 जो कि अर्टिगा से थोड़ी प्रीमियम मानी जाती है। कलर प्रोफाइल समझेंगे, गाड़ी में क्या नया आया है प्राइस को बता दूंगा, लेकिन गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना अपनी ब्लैक प्रोफाइल के साथ बहुत ही ज़्यादा शानदार आ रहा है, बढ़िया दिख रही है। गाड़ी की लंबाई भी एक तरीके से काफ़ी अच्छी है, 445 मिलीमीटर की पूरी ओवरऑल लंबाई आती है। इसमें केवल आपको 6 सीटर कन्फिग्रेशन मिलता है। जो मैंने आपको पहले एक्सल 7 दिखाई थी वो गाड़ी 7 सीटर है, लेकिन ये 6 सीटर आती है जो कि इंडिया के हिसाब से बिल्कुल सही बनाई गई है। और ये है इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल। ये इसका टॉप एंड मॉडल है जिसका नाम है अल्फा प्लस मॉडल। यहाँ पर क्रोम आप देखेंगे, 360 डिग्री कैमरा जो थोड़ा मॉडर्न फीचर है, उसी के साथ एक्स फैक्टर बनाती है फ्रंट में। क्वाड LED रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ आपको देखिए हेडलैम्प्स मिलते हैं, कुछ DRL है, पोजिशन लैम्प्स है, कुछ आपको टर्न इंडिकेटर, नीचे आप देखेंगे LED फॉग लैम्प। मतलब ना प्रीमियम स्टेटमेंट इस गाड़ी में स्टार्टिंग से है, लेकिन जो कलर आया हुआ है उसी की अलग बात है। हर कोई आ रहा है, बहुत बढ़िया गाड़ी लग रही है। और आज मैं हूँ नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। आप जानते होंगे कुमाऊँ का सबसे बड़ा शोरूम है मारुति का, और यहीं पर ये गाड़ी आई हुई है। मतलब कल मैंने अर्टिगा बनाई और यहाँ पर एक्सल 6 के साथ आपको डिटेल में समझा रहा हूँ गाड़ी क्या दे रही है, इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा आपको आगे। और देख रहे हैं आप भारी भरकम ग्रिल के साथ साथ आपको बढ़िया सी क्लैडिंग का पार्ट, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन इससे ना इस गाड़ी का जो स्टेटमेंट है बहुत बढ़िया आता है। अल्फा प्लस मॉडल है तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये स्पेशली इसके साथ आता है। और साथ ही गाड़ी के रियर में ही तो अलग चीज़ है, जो स्पोर्टी प्रोफाइल इसको दी गई है, जो कि आप स्पॉइलर के साथ आप देखेंगे, जो कि स्पेशली अल्फा प्लस मॉडल वालों को मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे एक शार्क फिन एंटीना है। साथ ही देखेंगे तो बढ़िया सा आपको रूफ रेल मिलेगा। और एक अच्छी बात हुई है, ये गाड़ी बिल्कुल धुल के हमारे सामने आई है, तो इसकी जो क्वालिटी है ना पेंट की बिल्कुल बता पाऊंगा आपको, कोई भी डस्ट पार्टिकल आपको नहीं देखने को मिलेगा। 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। अब बात करते हैं टायर की, तो टायर आप देखेंगे ना यहाँ पर आपको सेम टायर मिल रहा है जो आपको साइज़ के हिसाब से देखेंगे जो आप देती है अर्टिगा में, लेकिन इसकी चौड़ाई अर्टिगा से थोड़ी सी ज़्यादा है जिससे ये थोड़ा ज़्यादा बोर्ड लगता है। ये 195 सेक्शन का और 60 सेक्शन रेडियल 16 का टायर है और अच्छा दिख रहा है। मशीन कट है, डुअल टोन है। अभी ये गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है, तो यहाँ पर आपको जो सुजुकी का लोगो है वो अभी नहीं मिलेगा। जब इसको डिलीवर किया जाएगा तभी उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत ना आए। पीछे ड्रम ब्रेक है और ये है गाड़ी की साइड का पूरा रनिंग बोर्ड जो कि बढ़िया सा दिख रहा है। अभी बिल्कुल शाम हो रही है तो इसकी जो क्वालिटी है ना पेंट की बिल्कुल आपको पता चल रही होगी, और जो धूप है वो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं डाल रही है और अच्छी लग रही है गाड़ी। मैंने बताया कि 195 सेक्शन का टायर है जो कि अर्टिगा से थोड़ा ज़्यादा दमदार लग रहा है और अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके साथ गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल आपने देखी। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात है ना ये थोड़ी अलग अलग है। यहाँ पर 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मारुति कहती है, लेकिन ये गाड़ी दिखने में लगता है कि 190-200 के आसपास के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है और अच्छी दिखाई पड़ती है। और गाड़ी ब्लैक कलर में कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। इसका नाम भी है कलर का पर्ल मिडनाइट ब्लैक शेड, जो कि बाकी कंपनियां जो देती है उसी के आसपास है, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। कलर टू कलर अगर आप देखेंगे ना बढ़िया सी क्वालिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की ओर, वहाँ पर क्या स्पेशल दिया गया है। बाकी गाड़ी की लंबाई आप देख रहे हैं। इंजन की बात की जाए तो इसमें अभी आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है केवल, जो कि हम पहले से जानते हैं। 1.5 लीटर का न्यू जनरेशन का के सीरीज इंजन है। पावर बनाता है 103 हॉर्स पावर और 136 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है। बाकी गाड़ी की अगर आप रूफ देखेंगे तो यहाँ पर है रूफ। एक और बात स्पेशल हुई है, आप पूरे शोरूम की अगर थीम को देखेंगे तो ब्लैक थीम के साथ नेक्सा ऑलरेडी आती है, तो एक ब्लैक गाड़ी हो गई है उसके साथ थीम भी मैच कर रही है, तो ज़्यादा एक मतलब ना एक यूनिफॉर्मिटी आई है और एक मैं कहूँ अच्छा भी लग रहा है। आपकी क्या मतलब पूरी राय है, पूरा शोरूम देखिए ना ब्लैक एंड वाइट और थोड़ा क्रीमी थीम पूरी आती है, वो चीज़ इसके साथ भी है। और ये चीज़ आपने देखी ली, फॉग लैम्प आपने देखे, अलॉय आपने देख लिया, डुअल टोन के साथ है। और क्या है इसमें ORVM में देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल यहाँ प्लेस किया गया है। उसके बाद ये कुछ रेक डाउट आपको यहाँ पर ए पिलर मिलता है। जो सारा थीम है ना गाड़ी का, एक SUV और एक MPV दोनों को मिक्सअप किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक MPV करेक्टर मिल रहा है, केवल SUV करेक्टर भी है गाड़ी में। दमदार सा लुक है और अच्छी दिखती है। और यही है फिर गाड़ी पहाड़ से पूरी। अंदर ले चलता हूँ आपको और समझाता हूँ गाड़ी में और क्या है इसके साथ। यहाँ से चलेंगे इसके अंदर और यहाँ पर देखेंगे जाने पहचाने आपको डोर हैंडल मिलेंगे जो कि क्रोम के साथ है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। डोर का वेट अच्छा मिलता है। इसका जो प्लेटफॉर्म भी है ये भी अच्छे रेपुटेशन के साथ आता है, और मैं कहूँ अर्टिगा का ही प्लेटफॉर्म है और उसको भी ग्लोबल एनकैप ने अच्छी रेटिंग दी हुई है, वो सेम यहाँ पर भी रहती है। ये देख रहे आप इसके इंटीरियर्स, बाकी देखेंगे तो आपको कुछ मतलब एक तरीके से ना अच्छा डिज़ाइन है,
थोड़ा बहुत अर्टिगा से मिलता जुलता है क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा प्रीमियम एक तरीके से ना जो कस्टमर है उनको टारगेट करके बनाई गई है और अच्छी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखेंगे 7 इंच की स्क्रीन, डी कट स्टेयरिंग, क्रूज कंट्रोल और कुछ यहाँ पर ऑडियो के सारे सिस्टम हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको जो प्लास्टिक है वो मिलेगा, इसमें सॉफ्ट टच मिल जाता है तो जो अर्टिगा में मिस आउट करते हैं आप लोग वो यहाँ पर मिल रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, एडल स्टार्ट स्टॉप के लिए है, 360 डिग्री कैमरा ये है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है गाड़ी में, ABS, EBD, 4 एयरबैग देते हैं लोग इसमें, उसके साथ कुछ और फंक्शन जो अंदर चलेंगे समझ लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये सीटिंग आपको लेदरेट के साथ दे रहे हैं तो ये भी थोड़ा अलग बात है। रूफ माउंटेड AC वेंट भी देख पा रहा हूँ मैं, IRVM आपको इसमें मैनुअल मिलता है लेकिन डे नाइट फंक्शन के साथ है। और कितना अपर्चर है तो इतना अपर्चर आपको मिलेगा, चढ़ने उतरने में अगर किसी की हाइट अच्छी खासी भी है 6 फीट की तो दिक्कत नहीं होती है। मतलब गाड़ी अगर आप ऐसे बंदे के लिए ले रहे हैं जिसकी हाइट अच्छी है तो वहाँ पर वो आपको शिकायत नहीं करेगा। ये कुछ आप देख रहे हैं इसके डैशबोर्ड को, अंदर से विजिबिलिटी आप देखिए जो इस गाड़ी में SUV का एक तरीके से ना मैं कहूँ DNA है, जो ब्रेजा चला लेंगे या फिर ग्रैंड विटारा है, जो भी इंडिया में एक SUV फ्रंट की गाड़ी हम मानते हैं उसका DNA है इसमें। बम्पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं, आगे बढ़िया सा सनसेट हो रहा है। और इंजन को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन है, स्टेयरिंग में वेट आपको फील होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लाइट बना दिया गया है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हैवी बना दिया गया है, बिल्कुल मीडियम रखा गया है। लेकिन इसमें जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है वो थोड़ा अलग चीज़ आपको फील कराएगा, इंजन जो गाड़ी है उसको थोड़ा ज़्यादा स्मूथली चला पाता है। ट्रैफिक में जब आप चल रहे हैं तो ज़्यादा आपको जर्क फील नहीं होंगे और थोड़ा सा माइलेज भी बढ़िया देता है, क्योंकि माइलेज की बात आती है तो 1500 cc का इंजन है, हम समझते हैं 10-12 का माइलेज देगा, लेकिन ये ट्रैफिक में चलने के बाद भी 15-16 का माइलेज दे रहा है और रियल लाइफ में अगर आप देखें तो 20 के आसपास का माइलेज हाईवे में है। मारुति क्लेम कर रही है इसके मैनुअल के साथ एक तरीके से 20 km/h का माइलेज और ऑटोमेटिक में भी 20 की रेंज में है। इसमें CNG का ऑप्शन आता है जीटा मॉडल में, वहाँ पर आपको 26 का माइलेज मिलेगा पर KG, बहुत सही है। 7 इंचेस की स्क्रीन है, 17.78 cm की और अपना काम कर देती है। अब इस गाड़ी की ना प्राइसिंग भी आप सुनिए, ये इसका टॉप एंड मॉडल है, 13 लाख रुपए के आसपास इसके एक शोरूम है और अभी जहां मैं हूं हल्द्वानी में यहां पर इसकी ऑन रोड कीमत आ रही है मैनुअल के साथ 15.33 लाख रुपीज़, यानी कि 15.25 लाख रुपये से लेके 15.5 लाख रुपये की रेंज में ये गाड़ी ऑन रोड पड़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो छोटी गाड़ियाँ होती ना अंडर 4 मीटर वो सेगमेंट की गाड़ी आती है और यहाँ पर आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, 7 लोगों के बैठने के स्पेस भी देख पा रहा हूँ और इंजन भी अच्छा है इसका, तो मारुति ने एक वैल्यू फॉर मनी डील बनाई है इसको। इंजन स्टार्ट है, कैबिन आप सुनेंगे ना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट फील होता है, देखिए इसको बंद करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है, यही इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है। ये स्क्रीन मैंने आपको समझाई क्या फंक्शन देता है, यहाँ पर अभी इकोनॉमी में तो नहीं चली है, केवल 5 km/h है क्योंकि गाड़ी कुछ भी नहीं चली, केवल 10 किलोमीटर चली है। काफ़ी बार आपको हर वीडियो में समझाता हूँ जब ये गाड़ी थोड़ा लंबा चलेगी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जब जाके इसका जो ECU है ये प्रॉपर कैलिब्रेशन करके इसका माइलेज आपके सामने रखेगा। ये सारी चीज़ें ठीक है लेकिन ये अलग चीज़ है, बढ़िया लगती है। और यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, कुछ इतना स्पेस है, की देखेंगे तो वही है जो आपको ब्लैक थीम के साथ पहले से मिलती है नेक्सा की, कुछ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है ये है। और भैया वेंटिलेशन का फंक्शन भी आता है इसके अंदर, क्योंकि मैं कहूँ सबसे सही फंक्शन है जो हम मिस आउट करते थे ना पहले से, वो चीज़ इसमें दी गई है वेंटिलेशन का फंक्शन। कुछ ऑटोमेटिक AC प्रॉपर आप देखेंगे, ये सब चीज़ें आप देख ही रहे जो कि ये आर्टिका की तरह डमी है लेकिन यहाँ पर आपको हज़ार का सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक हैंड ब्रेक मिलता है, कुछ आपको छोटी सी आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलती है जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और हेडरूम शोल्डर रूम आप देख ही रहे कि सही है, लेकिन पीछे जो ब्लोअर यूनिट है उसका फ्लोर देख लेते हैं एक बार किस तरीके का है। आपको एक बार इसका इंजन भी दिखा दिया जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपको आर्टिका वाली ही लगने वाली है, लेकिन जो इस गाड़ी का फील है, बाहर का बॉडी कैरेक्टर है, ये बहुत बढ़िया बनाया मारुति ने। और यहाँ पर एक बार और देखिए, थोड़ी शाम हो गई है, बहुत ही बढ़िया कलर इसका आ रहा है। अब जब गाड़ी बाहर आप खड़े होंगे ना, AC अभी ऑफ है, लेकिन इसका जो इंजन का साउंड है हल्का सा आपको महसूस होगा, लेकिन कैबिन के अंदर इतनी बढ़िया इंसुलेशन इन्हें बनाई है वो माननी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी न्यू जनरेशन का K-सीरीज पेट्रोल इंजन जो कि 1.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ है, 1500 cc का पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर है। यहाँ पर आप इसका पूरा एयर फिल्टर देख रहे हैं, ये इसका आप एयर इनटेक देखेंगे और बाकी यहाँ से मेन जो एयर इनटेक है पीछे की तरफ है और बाकी नीचे आप कैटलिटिक कन्वर्टर देखेंगे। इसमें आपको EGR सिस्टम मिलता है सबसे मेन बात, क्योंकि भाई BS6 गाड़ी है और ये लिक्विड कूल्ड EGR है। डुअल और कैमशाफ्ट मिलती है, डुअल VVT मिल जाता है जो कि इंटेक कैमशाफ्ट और एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट दोनों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करेगा और गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी बनाए रखता है। कुछ बेसिक चीज़ें वही है जो पहले मिलते आती है और कोई ना, गाड़ी में BS6 का एक तरीके से अपडेट आ चुका है,
बाकी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। जो ECU फ्रंट है उसी में अपडेट आया होगा, लेकिन हार्डवेयर में कुछ भी मुझे अपडेटेड इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि गाड़ी पहले से बहुत एडवांस थी। और यहाँ पर हुड इंसुलेटर आप देखेंगे, बाकी गाड़ी का वेट जो बॉनेट है उससे भी पता चलता है कि क्वालिटी अच्छी खासी है। इस गाड़ी का जो अपना ग्रॉस वेट है 1600 से लेके 1700 केजी का है, मतलब अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी जो चाहिए हमें वो इसमें यूज़ की गई है और अच्छी भी फील होती है। बाकी चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो सीटिंग में, वहाँ पर इसमें क्या मिलेगा, कैप्टन सीट लेआउट मिलेगा। मैंने जो आपको एक्सल 7 दिखाई थी इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें बीच में आर्टिका वाली सीट्स लगाई थी जो बेंच टाइप होती है, उससे 3 लोग बीच में बैठेंगे, आगे 2 लोग आएंगे और पीछे भी 2 लोग आएंगे, तो टोटल वो 7 सीटर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके का पूरा लेआउट है, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसके अंदर की पूरी सीटिंग। तो ये देखिए पीछे कैप्टन सीट्स आती है जो कि स्लाइडेबल फंक्शन के साथ भी आपको मिलने वाली है, और जो कि थोड़ा इजी बनाता है इसको यूज़ कर पाना, लोग आगे पीछे स्लाइड हो सकते हैं, आगे की जो सीटिंग है वो भी स्लाइड होती है नॉर्मली, लेकिन ये वाली स्लाइड हो रही है तो और बढ़िया तरीके से स्पेस बनेगा कुछ। यहाँ पर आप देखेंगे प्लास्टिक यूज़ किया गया, यहाँ पर सॉफ्ट टच आप देखेंगे, ये स्पेसिंग है, विंडो के सारे कंट्रोल है, ये चीज़ें बेसिक रखी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है क्लाइडिंग का पार्ट, आप देख रहे हैं आगे भी यही क्लाइडिंग है और पीछे भी यही कुछ क्लाइडिंग पार्ट है जो कि प्लास्टिक के साथ आता है। और यहाँ पर देखें तो इसको आप पीछे स्लाइड करेंगे तो इतना ज़्यादा लेग रूम बनता है। अभी ये सीट मैंने थोड़ी पीछे की हुई थी, फिर भी इतना लेग रूम बन रहा है। आपको बीच में आर्मरेस्ट मिलेगा, एक मैं देख रहा हूँ ऊपर लाइटिंग सेटअप है, कुछ ब्लोअर यूनिट है, इनकी जो कंफर्ट है ना सही फील होगी आपको। पीछे भी 2 लोगों के लिए स्पेस है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको लेदरेट सीटिंग मिलती है, लेकिन जो आगे वाली सीट है केवल वही वेंटिलेशन के साथ आएगी, ये वाली में वेंटिलेशन पीछे नहीं है। और ये सीट आप देख ही रहे, या आप देखेंगे फ्रंट का डैशबोर्ड किस तरीके से मिलता है, कुछ ब्लोअर यूनिट है जिसका आप सिर्फ यहाँ से फैन स्पीड कंट्रोल करेंगे। टेम्परेचर का जो ऑप्शन है इस सेगमेंट में अभी नहीं आया हुआ है किसी भी गाड़ी में। और ये चीज़ें फिर पीछे का पूरा ये देखेंगे, ये चीज़ आपने देखी, उसके साथ ये आप देखेंगे मेरा हेडरूम शोल्डर रूम, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन बैठे आप बड़े कंफर्टेबल होंगे इसमें, क्योंकि इसका जो अंडर सपोर्ट है ये आगे वाली सीटों से भी थोड़ा ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। बीच में जो सारी सीटिंग है उसकी बात करी, ये वाली सीट मैंने थोड़ी आगे कर दी है ताकि मेरे लिए एक अच्छी तरीके से यहाँ पे स्पेस बन पाए। अब जिस तरीके से मेरी हाइट है 6 फीट की और इतना स्पेस यहाँ पर बन पा रहा है, मैंने बताया ना कि पीछे वाली सीटें उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जिनकी हाइट थोड़ी कम है, तो वो थोड़ा आप कंसिडर करेंगे। बाकी थोड़े और फंक्शन देखेंगे तो इसको आप ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ से आप करना चाहे तो, और इसके लिए आप देखा चाहे तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन कर पाएंगे। बाकी थोड़ा रिक्लाइन करेंगे तो इतना स्पेस मुझे मिल पा रहा है, मतलब आप अपने हिसाब से ना स्पेस इसमें बना सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पीछे भी 2 लोग बैठ गए, बीच में भी 2 लोग आएंगे, आगे भी 2 लोग आएंगे, तो 6 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ज़्यादा लग्जरी चाहिए फिर आप जा सकते हैं इनोवा या फिर किया कार्निवल की ओर, लेकिन 15.5 लाख के बजट में अपने टॉप एंड मॉडल के साथ ये गाड़ी अपने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इतनी वैल्यू आपको देती है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको सही ही लगेगी। कुछ यहाँ पर यूटिलिटी के स्पेसेस हैं, और ये क्वार्टर पैनल जो ग्लास है ये भी बड़े साइज़ का दिया गया, यहाँ पर भी अर्टिगा वाला ही फील आपको आने वाला है। और यही है फिर गाड़ी थर्ड रो से, पीछे आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है जिसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि कोई पार्शियल सेल्फ मैं नहीं देख रहा हूँ उसमें, तो यहाँ से ही एक्सेस हो सकता है। और उसके साथ ही आप देखेंगे उतरना कितना इजी है, तो आराम से आ सकते हैं। गाड़ी की हाइट कुछ ज़्यादा भी नहीं है ना ही कुछ कम है, चढ़ना उतरना इजी बनाया गया है। पीछे की आप लाइटिंग सेटअप देखेंगे तो इस तरीके से लाइटिंग सेटअप ऑफ किया गया है। ये मैंने बूट आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि काफ़ी लोग इसको भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, लेकिन इस तरीके के सेगमेंट की गाड़ी ना जहाँ पर आपको लोगों के बैठने की अच्छी स्पेस मिल रही है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तब भी 209 लीटर का बूट स्पेस है। और नीचे देखेंगे थोड़ा सा जो सॉफ्ट सामान आपके पास है उसके लिए आपको स्पेस दिया ही गया है जिसको आप रख सकते हैं। लाइटिंग आप देख ही रहे, कुछ आपको यहाँ पर बढ़िया सी स्मोक्ड आउट ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी सी ग्रे फिनिश में एक अच्छी सी क्लियर ग्लास के साथ एक लाइटिंग दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ वैसी फील हो रही होगी ना जिस तरीके से वोल्वो अपनी कार्स में देती है, एक वर्टिकल लाइटिंग है और बढ़िया दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल सा आपको हाइड्रोलिक स्टड मिलता है। यहाँ पर देखेंगे जो ये मेटल का पार्ट है काफ़ी कंपनी मिस आउट करती है, मारुति ने यहाँ पर स्टार्टिंग से हर एक गाड़ी में देते हैं लोग कि एक प्लास्टिक की कवरिंग दी जाती है जिससे ये पार्ट आपके सिर में ना लगे और आपको चोट ना लगे। एक प्लास्टिक का पार्ट रहता है इसकी कवरिंग मेटल के ऊपर। ये ग्रैब हैंडल है, उम्मीद है कि फ्यूचर में यहाँ पर कुछ पावर टेलगेट भी आया, ये सब फंक्शन भी चाहते हैं। वॉशर, वाइपर, डिफॉगर और टॉप एंड मॉडल का स्पॉलर भी आप देखेंगे। और पेंट की क्वालिटी आप देख रहे स्पेशली बढ़िया लग रही है आपको। उसके साथ कुछ आप अगर सिरामिक कराना चाहते हैं, PPF कराना चाहते हैं इस पेंट के ऊपर, उससे इसकी लाइफ और बढ़िया होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका टॉप एंड मॉडल 13 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम है और करीब 15.5 लाख रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे इसकी सारे वेरियंट की प्राइसिंग ना 13 लाख
48,000 रुपये, लगभग 13.5 लाख रुपये इसके बेस मॉडल की कीमत है, जो कि बेस मॉडल एक तरीके से नहीं है, बीच का मॉडल है, सारे वेरिएंट मिल जाते हैं उसमें, सारे ऑप्शन मिलते हैं फीचर के मामले में। उसके साथ जो अल्फ़ा मॉडल है वो आप देखेंगे, अल्फ़ा प्लस आप देख रहे हैं जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, 13 लाख रुपये के आसपास और करीब 15.33 लाख रुपीज़ ऑन रोड एक कॉस्ट कर रहा है, और सीएनजी का ऑप्शन भी आप देखेंगे तो इसकी कीमत है 12.35 लाख रुपीज़, और उसके साथ साथ इसकी ऑन रोड आ रही है 14.56 लाख रुपीज़। और ये पूरी प्राइसिंग के साथ यहाँ पर आपको 1% का TCS भी एक तरीके से पे करना होगा, जो कि आप चाहे तो ITR में फाइल करके अपने हिसाब से अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि प्राइसिंग सही है, इसकी वेल फॉर मनी डील बनती है। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएगा। आज मैं हूँ नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में, कुमाऊँ का सबसे बड़ा शोरूम। गाड़ी ये यहाँ से हल्द्वानी से पिथौरागढ़ डिलीवर हो रही है, तो वो भी अपना एक बहुत पहाड़ी इलाका है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर आप जानते होंगे। तो गाड़ी ना एक तरीके से प्रीमियम अपील के साथ आई है, फिर भी देखिए इतने जल्दी सेल आउट हो रही है। अभी गाड़ी कब आएगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगली गाड़ी आते ही आपको अपडेट देंगे। तो फिर ये कुछ हमने देखी आपकी ऑल न्यू XL6 जो कि ब्लैक एडिशन के साथ आ रही है। आज मैं हूँ नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में, पूरा शोरूम आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। बाकी जो थीम है ना बिल्कुल मैचिंग हो गई है ब्लैक थीम के साथ, ब्लैक गाड़ी आपके सामने आ गई है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आज खड़ा हूँ हल्द्वानी में, जिस तरीके से आप कुमाऊँ में कहीं पर भी है तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर बुकिंग्स करा सकते हैं, बाकी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव जब आई होगी करवा सकते हैं, लेकिन गाड़ी को एक बार देख के जरूर जाइएगा। और इससे जस्ट पहले हमने देखा था ऑटो एक्सपो में, वहाँ पर भी मारुति ने बढ़िया सा काम करा था, आपको फ्रॉन्क्स, जिमनी, उसके साथ साथ एक तरीके से ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा बहुत सारे अपडेट आपको दिखाए थे। लेकिन जो आने वाली फ्रॉन्क्स और जिमनी है वो थोड़ा अलग करेगी मार्केट में, हर किसी को एक तरीके से इंतजार है उन गाड़ियों का। अभी के लिए तो XL6 और एक तरीके से ना बाकी सारी गाड़ियाँ अपने ब्लैक एडिशन के साथ थोड़ा एक एक्साइटमेंट बना पा रही है। तो फिर ये देख लिया आपने XL6, आइए हल्द्वानी में एक्सपीरियंस करिए इन गाड़ी को, मिलता है ऐसी और नई वुड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।